दोस्तों, ये जो आप सारे पेड़ देख रहे हैं, वृक्ष देख रहे हैं, इसको कहते हैं यूकेलिप्टस और हम इसे नीलगिरी के नाम से जानते हैं। देखिए, हवा चल रहा है और हमारे गांव में नीलगिरी गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया था और आज भी वह बरकरार है। आज हम इसके औषधीय गुणों के बारे में जानेंगे। देखिए, ये है नीलगिरी के पत्ते। एक पेड़ कट गया था तो सोचा कि चलिए यहीं से आपको नीलगिरी के बारे में बताते हैं। वैसे नीलगिरी कौन नहीं जानता, पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है। बल्लियाँ बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन के कामों में और झोपड़ियाँ बनाने में बहुत कारगर है। एक बार फिर से देखिए, बल्लियाँ बनाने में कितना अच्छा इसका यूज होता है। काफ़ी लंबी लंबी होती है नीलगिरी का पेड़। तो औषधीय प्रयोग हम आपको बताते हैं। सर्दियों में और बरसात के दिनों में, अब कुछ ही दिनों में मानसून भी आ जाएगा तो आम बात है सर्दी और जुखाम होना। सर्दी और जुखाम जैसी समस्याओं में नीलगिरी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। नीलगिरी से आप भाप ले लीजिए या नीलगिरी के पत्तों को चाय की तरह चुस्की मार कर पीजिए, आपकी सर्दी और जुखाम की समस्या ख़त्म हो जाएगी। गले में खराश आए तो चाय की पत्ती की जगह आप चाय बनाइए, लेकिन नीलगिरी की पत्तियों का आप उसमें डालिए, काढ़े की तरह बनाइए चाय को और पी जाइए, आपके लिए बहुत लाभकारी होगा यदि आपके गले में खराश है तो। साइनसाइटिस और ब्रोंकाइटिस ऐसी बीमारियां हैं जिनसे काफ़ी लोग प्रभावित होती हैं, मगर नीलगिरी के प्रयोग से यह बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। साइनसाइटिस और ब्रोंकाइटिस के लिए इसके पत्तियों को आप चाय की तरह या इसके पत्तियों को काढ़ा बनाकर इसका प्रयोग कीजिए, बहुत जल्द ही आपको आराम मिल जाएगा। कफ की समस्या। वातपित्त और कफ तीन कारक होते हैं हमें रोगी बनाने के लिए, जिनमें से एक कफ है। कफ सर्दी से हो जाता है, खान पान में अच्छे से ध्यान ना देने से हो जाता है, फेफड़ों में पानी का जमाव हो जाता है। लेकिन यदि आपके आसपास नीलगिरी का पौधा वृक्ष है तो आपको कफ से डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिदिन सुबह शाम आधी कप नीलगिरी का काढ़ा पीजिए। क्या करें, चाय की तरह इसको उबालिए अच्छे से, हल्की सी इसमें मिठास के लिए कुछ डाल दीजिए, चीनी या गुड़ डाल दीजिए, और जब पानी एक चौथाई बच जाए, एक लीटर पानी मान लीजिए आप ले रहे हैं या 500 ml पानी आप ले रहे हैं तो एक चौथाई पानी बच जाए, उसको काढ़े की तरह सुबह शाम पीजिए, आपके कफ की समस्या ख़त्म करेगी। चलिए अब इसके बारे में और हम बताते हैं छाल के गुड़। पेड़ों की तरफ चलते हैं, कितने अच्छे वृक्ष हैं देखिए। इसका एक और नाम प्रचलित है सफ़ेदा। सफ़ेदा क्यों बोला जाता है आप इसको देख कर ही आप जान सकते हैं। देखिए कितना सफ़ेद है ये सफ़ेदा। नीलगिरी को सफ़ेदा भी बोला जाता है। इस छाल को आप निकाल लीजिए और छाल को निकाल कर यदि आपको सर में दर्द की समस्या है तो छाल को निकाल कर चटनी पेस्ट की तरह बना लीजिए और उसको लगाइए, सर में लगाइए, आपको सर दर्द की समस्या ख़त्म हो जाएगी। भारत में और बहुत से देशों में झंडू बाम आयोडेक्स नाम से कई प्रकार की दवाइयां बेची जाती है, बनाई जाती है, जो नीलगिरी के तेल से ही बनाई जाती है। नीलगिरी का तेल बहुत ही गुणकारी है और बहुत ही कीमती होता है। नीलगिरी के तेल से झंडू बाम, अमृतांजन बाम और आयोडेक्स जैसी बहुत सारी दवाइयां आपको बाज़ार में या मेडिकल स्टोर में देखने को मिल जाएगी। और भी इसके बहुत सारे औषधीय गुण हैं। चाय की तरह इसकी पत्तियों को आप उपयोग कर सकते हैं, मसालों में इसके पत्तियों को आप उपयोग कर सकते हैं,
और भी इसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में औषधि प्रयोगों के साथ अवश्य बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को शेयर अवश्य करें।